पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से 4 किलो गांजा हुआ बरामद। पिछले कई दिनों से तस्करी करने की मिल रही थी पुलिस को सूचना। अलीगढ़ के थाना इगलास पुलिस के द्वारा मंगलायतन विश्वविद्यालय के पास वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखे। इन लोगों को वाहन चेकिंग के दौरान जब रोका गया तो इनके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पूछताछ में प्रताप सिंह व राजू नाम पता चला। पुलिस ने इनके विरुद्ध NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया। इन आरोपियों के विरुद्ध इलाका पुलिस को कई दिन से तस्करी करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई कर तस्करों पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। इस समय अभियान चलाया जा रहा है कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करें और अपराध को अच्छी तरह रोके। उसको हमारे इंस्पेक्टर इगलास श्री प्रदीप कुमार ने चैलेंज तौर पर लिया है और ये बहुत ही अथक मेहनत करके एक ठान लिया है कि हमको इस क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है और भय मुक्त वातावरण पैदा करना है। उसी के तहत ये मंगलायतन के पास में चेकिंग कर रहे थे, इनकी पूरी टीम थी, तो वहाँ पर इनको संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उनको इन्होंने गिरफ्तार किया। वहाँ से एक प्रताप सिंह है, पुत्र रंजीत सिंह है, सारा खुर्द निवासी है, और एक राजू पुत्र बनवारी लाल, ये गढ़ी धनु का रहने वाला है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उनके दोनों के पास से गांजा बरामद हुआ है। प्रताप सिंह के पास से 3 किलोग्राम अवैध गांजा मिला है और ये राजू जो है इसके पास से 1 किलोग्राम गांजा मिला है। तो इनके बहुत सराहनीय काम किए जा रहे हैं, इनकी टीम बहुत प्रशंसा की पात्र है और मैंने इनको चेक भी किया है तो देर रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिसके परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं कि बहुत मेहनत करके अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई इनके खुलासा हो रहे हैं। हमारे सभी अपराधी जो वांछित अपराधी वो भी सब हमारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कोई भी सेफ नहीं है हमारे इंग्लास। आगे भी सर चलता रहेगा ये अभियान? अब इनका इन्होंने ठान लिया है कि हमें इसको भयमुक्त वातावरण देना है पूरे समाज को और अपराध मुक्त रखना है, तो उसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है और ये प्रशंसा के पात्र है। हाँ, इनको मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, समझौता धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वहाँ से इनको जो भी अग्रिम कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।